नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राय। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्य काल को पढ़ रहे थे, मौर्य काल में आपका इंडिका और अर्थशास्त्र के बारे में हम लोगों ने डिटेल रूप से जान लिया था। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे इंडिका और अर्थशास्त्र में वर्णित मतलब लिखा हुआ आर्थिक मौर्य काल के आर्थिक जीवन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इंडिका और अर्थशास्त्र में सामाजिक जीवन देखेंगे और इंडिका और अर्थशास्त्र में धार्मिक जीवन देखेंगे। मतलब इंडिका और अर्थशास्त्र में, यानी इंडिका किसका है तो मेगास्थनीज का पुस्तक है और अर्थशास्त्र किसका है तो ये चाणक्य यानी कौटिल्य या इसी को विष्णुगुप्त कहते हैं। तो यानी कि दोनों पुस्तक में क्या क्या उल्लेख किया गया मौर्य काल के समाज आपका आर्थिक जीवन से संबंधित, सामाजिक जीवन से संबंधित और फिर धार्मिक जीवन से संबंधित। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या हम लोग आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या इंडिका और अर्थशास्त्र में वर्णित आर्थिक जीवन। तो हम लोग क्या हेडिंग में देना है, आर्थिक जीवन देखेंगे। क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, आर्थिक जीवन। तो सबसे पहले हम लोग इंडिका देखिए, हम आर्थिक सामाजिक और धार्मिक जीवन दोनों को हम इंडिका के अनुसार आपको बताएंगे और उसके बाद आपका अर्थशास्त्र के अनुसार बताएंगे। यानी दोनों को इस तरह से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इंडिका के अनुसार, हम आई मतलब समझ आइएगा इंडिका लिख देते हैं, इंडिका के अनुसार देखेंगे। इंडिका पुस्तक के अनुसार, इंडिका पुस्तक के अनुसार कौन का इंडिका पुस्तक किसका है तो मेगास्थनीज का। तो हम इंडिका पुस्तक कहने का के अनुसार कहेंगे तो आपको समझना है कि कौन किसके अनुसार कह रहे हैं तो मेगास्थनीज के अनुसार। तो मेगास्थनीज के अनुसार मेगास्थनीज कौन है तो बाकी आपका डिटेल रूप से क्लास आपको बताया गया था ना, किसका है सेल्युकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो खल अलग बात है, आपको पढ़ा दिया गया है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं आर्थिक जीवन। तो इंडिका में वर्णित यानी इंडिका के अनुसार मगध में यानी मगध मतलब कह सकते हैं मगध साम्राज्य तो था ही, मगध साम्राज्य का फैलाव कहाँ तक था तो पूरा भारत लगभग निचला स्तर यानी कि छोड़कर, उसके बाद देख लीजिए पूरा नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का क्षेत्र, ये सब किसका कौन सा क्षेत्र आता था तो मगध। और राजधानी कहाँ थी तो पाटलिपुत्र में थी। तो इंडिका के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़े थे, किसके अनुसार तो इंडिका पुस्तक के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ा था, यानी कभी भी भारत में अकाल नहीं पड़ा है, किसके अनुसार इंडिका के अनुसार। लेकिन आपको पता होगा जब हम चंद्रगुप्त मौर्य आपको पढ़ा रहे थे तो आपको बहुत बताए थे कि मगध या फिर भारत में लगभग 12 वर्ष तक अकाल पड़ने से चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चला गया तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाकर है ना निवास कर गया और वहीं अपने प्राण को त्याग दिया, यानी कि मृत्यु को प्राप्ति हुआ उपवास के द्वारा, है ना। और किसके साथ गया था तो अपने शिष्य सॉरी आपका अपने गुरु भद्रबाहु के साथ गया था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवण बेला। किस लिए गया था तो अकाल पड़ने के कारण, चूंकि अकाल पड़ गया था काम भारतवर्ष में तो इसलिए वहां जाकर क्या किया उपवास में, वहां अपने सन अकाल पड़ने से अपने कर्नाटक चले गए कौन चंद्रगुप्त मौर्य और उपवास के द्वारा है ना अपने प्राण को त्याग दिए। तो जब इनका यानी मेगा स्थनीज क्या कर रहा है कि भारत में कभी अकाल पड़वे नहीं किया है, लेकिन कौन कर रहा है इंडिका। लेकिन जबकि चना के क्या कहा है कि चना के कहा कि 12 वर्ष लगातार भारत में अकाल पड़ा है ना, यानी एक दूसरे से काफी अंतर है देखने को मिला। उसके बाद देखेंगे हम लोग अकाल से संबंधित समझ गए, एक कर रहा अकाल नहीं है और एक कहा अकाल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आर्थिक जीवन में है ना, सबसे पहले देखेंगे आर्थिक जीवन में इंडिका पुस्तक के अनुसार। तो इंडिका पुस्तक में लिखा गया है कि भारतीय लोग सूद का प्रयोग नहीं करते, सूद मतलब ब्याज का, जैसे हम लोग गांव देहात में कहते हैं ना कि सूद पर पैसा लिए हैं 1 लाख 2 लाख या जितना लिए हैं तो कहते हैं ना सूद पर लिए। देखिए ठीक उसी प्रकार इंडिका में यानी मेगा स्थनीज के अनुसार भारतीय लोग सूद का लेन देन नहीं करते थे। किन के अनुसार तो मेगा स्थनीज के अनुसार भारतीय लोग सूद का लेन देन नहीं करता था। जबकि कौन चाणक्य कहता है, चाणक्य के अनुसार यानी आपका अर्थशास्त्र के अनुसार सबसे ज्यादा अगर सूद का प्रयोग होता था तो व्यापार समुद्री व्यापार में, समुद्री मार्ग से जो व्यापार होते थे उसमें सबसे ज्यादा सूद का ही प्रयोग किया जाता था। तो ये देखिए एक कह रहा है कि सूद का प्रयोग नहीं करता था कौन इनका, और एक कह रहा अर्थशास्त्र कह रहा कि भारतीय लोग जो समुद्री व्यापार में ज्यादातर सूद ही का प्रयोग करते थे ना। तो काफी दोनों का अंतर है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं दोनों का हम लोग कंपेरिजन करके पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक आर्थिक जीवन में देखेंगे लेखन कला। देखिए इंडिका के अनुसार कह रहा है कि लेखन भारतीय लोग लेखन कला से अभिन्न थे, मतलब इंडिका के अनुसार भारतीय लोग
लेखन कला से प्रचलित नहीं थे, मतलब जानकारी लेखन कला का प्रचलन जानकारी नहीं था किनको, भारतीय लोगों का। ये आपका हो गया आर्थिक जीवन में हम लोग किसको देख लिए, आर्थिक जीवन में हम लोग देख लिए इंडिका के अनुसार, उसके बाद अर्थशास्त्र के अनुसार, उसके बाद देख लिए हम लोग इंडिका और अर्थशास्त्र के, उसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक जीवन को स्टार्ट कर रहे हैं। सामाजिक जीवन तो इंडिका के अनुसार हम लोग देखेंगे, हिंदी में अभी आपको लिख देते हैं इंडिका। हाँ तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इंडिका के अनुसार, इंडिका के अनुसार कौन कह रहा है, यानी इंडिका किसका पुस्तक का चंद, आपका आपका मेगास्थनीज का दास प्रथा। इनका पुस्तक के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलन नहीं था, कौन कह रहा, तो मेगास्थनीज कह रहा कि भारत में दास प्रथा प्रचलन नहीं था, और जबकि इनका चाणक्य के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलित था। ये दास प्रथा क्या है, है ना, बेगारी के एक तरह से कह सकते हैं, मतलब बिना आपको पैसा दिए या फिर आपका उस पर्याप्त मजदूरी दिए आपको अगर कोई काम करवा रहा, उसी को हम लोग बेगारी कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दास प्रथा। दास प्रथा ये आपका कंप्लीट हो गया है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो, देखिए ये आप इंडिका के अनुसार भारत में जो चंद आपका है कौन, सेल्कस निकेटर, भारत में सात जात को बताया, यानी भारत में कितने प्रकार का जात है, सात प्रकार के। ये कौन कह रहा, इंडिका पूछता है, यानी मेगास्थनीज कह रहा कि भारत में सात प्रकार के लोग रहते, कौन कौन सा, दार्शनिक, किसान, उसके बाद देखेंगे तो आपको कारीगर, योद्धा, उसके बाद देखेंगे तो निरीक्षक, सभासद, है ना, यानी तमाम तरह के कुल सात मिलाकर सात के जाति रहते हैं भारत में। लेकिन आपको पता है कि क्या भारत में सात ही जाति रहते, तो जी नहीं, भारत में कुल चार प्रकार के लोग रहते हैं, चार वर्ग के लोग रहते थे। किनके अनुसार, ये चाणक्य के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए ये आपका एक, आपको एक कहा, कौन कह रहा है सात जात, कौन कह रहा है, तो इनका पुस्तक के अनुसार चार वर्ग कौन कह रहा है, मतलब चार वर्ग भी कह सकते हैं या जात भी कह सकते हैं, जनरली आप वर्ग ही लिखिएगा। तो इनका पुस्तक के अनुसार भारतीय कितने लोग चार वर्गों में विभाजित थे, और चाणक्य के अनुसार चार वर्गों में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझे कि आखिर सात वर्ग काहे कहा, जैसे मान लीजिए कि हम ये यूनानी, इंडियन तो था नहीं, ये विदेश है, तो यूनानी अगर मान लीजिए कि हम आप ही लोग को अगर हम इंग्लैंड भेज दे, इंग्लैंड मान लीजिए, इंग्लैंड हम आपको भेज दें, और वहां आपको साल से दो साल के अंदर में आपको हम आकर बताएंगे कि वहां का लोगों को सामाजिक जीवन या उस कितने वर्ग में उन लोग विभाजित हैं, तो क्या बता पाइएगा, तो नहीं बता पाइएगा, बहुत आपको मेहनत लगेगा, पहले आपको उसका भाषा सीखना पड़ेगा, यानी इंग्लैंड के भाषा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको उसके वातावरण अनुकूल रहना पड़ेगा, यानी उसके अनुकूल ढलना पड़ेगा, तभी आपको पता चल जाएगा। जैसे विदेश के बाद छोड़ ही लीजिए, जैसे हम लोग अभी बिहारी हैं, या फिर आप उत्तर प्रदेश के होंगे या फिर झारखंड के होंगे, तो कहीं से मान लीजिए कि, मान लीजिए कि आप बिहारी हैं और आपको दक्षिण भारत में भेज दिया जाए, कहां दक्षिण भारत, मान लीजिए कि आपको केरल में भेज दिया जाए, तो केरल की भाषा तो आप समझ नहीं पाएंगे, जो वहां का लोकल लैंग्वेज है तो आप समझ नहीं पाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आप वहां का जो व्यक्ति है लोकल भाषा में यूज कर रहा है, यानी अपने भाषा लोकल का प्रयोग कर रहा है और हिंदी या इंग्लिश का जनरली यूज नहीं कर रहा, तो क्या उसका जो दैनिक जीवन है उसके बारे में आप सही रूप से आप बता पाइएगा कि वो खाखिर जो भोजन कर रहा है उसको क्या वो कहता है, खाना का मतलब आपका टहल रहा है उसको क्या कहता है ना, इस तरह का आपको काफी अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मान लीजिए कि आप इंग्लैंड, आपका सॉरी तमिलनाडु या केरल में चले गए, तो वहां के जो एक घर में मालिक गए, एक गांव में गए, और उस गांव में व्यक्ति से पूछिएगा कि आप किस वर्ग से हैं, है ना, तो वो बताएगा कि हम ये वर्ग से हैं, तो आप इतने मान लीजिए कि केवल है देख के मान लीजिए कि मान लीजिए कोई खेती कर रहा है तो उसको आप क्या कहिएगा, किसान कहिएगा, कोई खाना बना रहा है तो उसको भोजनालय भोजन का बना रहा है, यानी कि मजदूरी कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जो इंडिका के अनुसार, इंडिका पुस्तक के अनुसार मेगास्थनीज भारत में आया, तो जहां जहां घूमने गया तो सबसे पहले देखा कि एक जगह देखा कि कुछ लोग वेद पढ़ रहे हैं या फिर वेद पढ़ रहे हैं या फिर लोगों को विद्या दे रहे हैं, तो उसको चंद्रगुप्त सॉरी आपका मेगास्थनीज को उस व्यक्ति को क्या कहा, यानी उस व्यक्ति को किस जाति को बताया, तो दार्शनिक बताया। पहला क्या बताया, दार्शनिक। पहला क्या बताया, दार्शनिक।
दूसरा बताया आगे कुछ और आगे बढ़ा तो देखा कि अरे तो दार्शनिक नहीं, एक व्यक्ति हल यानी खेती कर रहा, तो उसको आपका कौन कहा मेगास्थनी, उसको क्या बताया, नहीं वो बताया कि एक किसान है, किसान जाति का है। उसके बाद तीसरा कुछ दूर और आगे बढ़ा तो देखा कि एक व्यक्ति घर बना रहा है, तो उसको कहा क्या कारीगर, कारीगर। उसके बाद कुछ दूर और आगे बढ़ा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी आपका सेल्युकस निकेटर, सेल्युकस निकेटर का राजदूत कौन, मेगास्थनी। तो देखा कि कुछ व्यक्ति गाय भैंस चरा रहे हैं, तो उसको क्या कहा पशुपालक, पशुपालक। कुछ देर बाद आगे बढ़ा कौन आपका, आपका सेल्युकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनी। तो देखा कह रहे कुछ व्यक्ति क्या कर रहा, योद्धा लड़ाई झगड़ा कर रहे, मतलब पहरदार यानी सेना का यानी भारतीय यानी कि भारतीय लोग हैं, तो उनको क्या कर रहा है सेवा दे रहा है, मतलब एक सैनिक रूप में राजा के अधीन काम कर रहा है ना, एक तरह जवान कह सकते हैं। तो उसको क्या कहा योद्धा, कहा योद्धा। फिर उसके बाद क्या आपका छठा हो गया, कुछ दूर और आगे बढ़ा तो देखा कि अरे ये तो व्यक्ति लोगों को क्या कर रहा है निरीक्षक, देखभाल करने का काम कर रहा, तो उसको क्या कहा निरीक्षक, निरीक्षक। उसके बाद कुछ दूर और आगे बढ़ा तो देखा क्या रे एक व्यक्ति है जो क्या काम कर रहा निरीक्षक या सभासद, सभासद। मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति क्या कर रहा चंद्रगुप्त मौर्य का सैनिक रूप में कार्य कर रहा, उसको योद्धा कहा। उस एक कुछ